आत्मनिर्भर वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आत्मनिर्भर वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और व्यवसाय की दृष्टि से खुद को स्थापित करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आत्मनिर्भर वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित अवार्ड सेरेमनी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाओं को अवार्ड देकर प्रोत्साहित किया गया। दरअसल आत्मनिर्भर वुमेन्स एसोसिएशन संस्था महिलाओं को न सिर्फ स्वरोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रोत्साहित करती है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी व्यावसायिक महिलाओं को मंच देने का भी काम करती है। आत्मनिर्भर वुमेन एसोसिएशन संस्था महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने और स्वरोजगार के माध्यम से खुद को व्यवसाय क्षेत्र में स्थापित करने वाली महिलाओं को आगे बढ़ाने का मंच भी प्रदान कराती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर आयोजित बिजनेस वुमेन अवार्ड सेरेमनी के संबंध में संस्था की पदाधिकारी महिलाओं ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा शहर की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम वसुधा खंडेलवाल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ आत्मनिर्भर वुमेन्स एसोसिएशन अनवा की, और ये हमने आज का जो कार्यक्रम है ये अब अपने दूसरे साल में आया है और ये बहुत ज़्यादा औरतों को एक शक्ति प्रदान कर रहा है, एक टाइप ऑफ एम्पावरमेंट है और रिकॉग्निशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन हमारी मथुरा वृंदावन और ये ब्रज की जितनी भी लेडीज़ जितना अच्छा काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में उनको एक रिकॉग्निशन दिलवा रहा है ये अवार्ड्स के ज़रिए। आज हमारा जो कार्यक्रम है अनवा बिजनेस वुमेन्स अवार्ड्स 2.0 2020 में हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एक अवार्ड फंक्शन रखा है मथुरा की महिला उद्यमियों के लिए। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सेक्टर्स से जो हम कह सकते हैं लगभग 20 महिलाएं हैं जिनको आज हम पुरस्कारित करने जा रहे हैं। पर पुरस्कार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो महिलाएं हैं आज जिनको अवार्ड दिए जाएंगे उनको बस एक ट्रॉफी नहीं पकड़ा दी जाएगी। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए और क्या हेल्प चाहिए और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, और वो मदद उन्हें देने के लिए हम उनको उन्हीं की इंडस्ट्री से, उन्हीं के सेक्टर में से, पूरे भारत में से चुन के मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वो मेंटर्स जो उनको और आगे बढ़ने में गाइड कर सके, उनको राह दिखा सके, उनके सवालों का जवाब दे सके। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है, देखिए आज आप सब जानते हैं भारत की इकोनॉमी का क्या हाल है। इस इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल है एक बिजनेस वुमन का, एक बिजनेस मैन का, एक उद्यमी का, क्योंकि वो बस खुद को जॉब नहीं देते, वो अपने साथ औरों को भी नौकरियाँ देते हैं। तो हम, मुझे लगता है बस अनवा को ही नहीं सबको उद्यमता को भारत में बढ़ाने के लिए एक्शंस लेने चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, पॉलिसीज हैं जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कुछ सीखा कार्यक्रम से? मैं प्रियम चतुर्वेदी हूँ, सेक्रेटरी एंड को फाउंडर ऑफ आत्मनिर्भर वुमन एसोसिएशन। ये कार्यक्रम जो हमने कराया है इसमें हमने जो बिजनेस वुमेन हैं उनको हमने अवार्ड्स दे रहे हैं, करीबन 20 से 21 अवार्ड्स दे रहे हैं हम, जिसमें हर सारे सेक्टर, सारी कैटेगरीज का अवार्ड हैं, वेदर इट इज़ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, जितने भी सेक्टर्स हम कवर कर सकते हैं सारे का अवार्ड हैं उसमें। और मथुरा में हमेशा ये सोचना है एक कि बिजनेस वुमेन नहीं है, बट दो साल पहले जब हमने अनवा स्टार्ट किया था तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही खुशी की खबर थी कि करीबन 100 लेडीज़ हैं मथुरा में जो काम कर रही हैं, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है उन्होंने और खुद का अपना कुछ कर रही हैं। आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ सिखाया आप लोगों ने? एक्चुअली दो साल पहले अनवा को हमने शुरू किया था, मैं इसके फाउंडर मेम्बर्स में से हूँ। 5 लोगों ने जब इस संस्था को शुरू किया था तो आज ये बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक को कहीं ना कहीं मेंटोरिंग चाहिए होती है, और वीमेंस में इशू ये होता है कि महिलाएं घर से निकलती हैं तो एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो कई बार थक के वापस घर में बैठ जाती है। तो ये एक मंच बना जहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और इस सपोर्ट सिस्टम के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हमें लोगों का सहायता और सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे साथ 30 स्पॉन्सर्स जुड़े जिन्होंने इस इवेंट को करने में हमें बहुत बड़ी मेहनत करी और सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात GLA यूनिवर्सिटी हमें इसमें सपोर्ट कर रही है, एलाइड ग्रुप इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है, और इस बार हम लोग ईयर बुक भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें इन सभी महिलाओं को स्पेस मिलेगा। इसके अलावा इनसे जुड़ी जो भी चीज़ें वो चाहते हैं उन्हें एक ही बुक के अंदर ये सब मिल जाएगा। इसका कवर पेज भी आज यहाँ पर इनॉग्रेट किया जा रहा है।